Autoradiography is also a bioanalytical technique. So this is a technique in which we can identify something and we can also quantify something. Both the things can be done by the autoradiography, like we can identify some specific molecule inside a cell or organelle, and also what we can do, we can quantify them, means we can analyze their quantity too. दोनों टेक्निक इसमें इन्वॉल्व होने वाला है, एक तो क्या है कि क्वांटिटी बेस्ड भी है ये और क्वालिटी बेस्ड भी है. तुम किसी चीज़ की क्वांटिटिव एनालिसिस भी कर सकते हो और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हो. तो इसलिए ऑटो रेडियोग्राफी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और सबसे पहली बात ये बायो एनालिटिकल है, मीन्स जो भी चीज़ हमसे हम इसमें ढूंढना चाहेंगे दैट शुड बी बेस्ड ऑन द बायोलॉजी सब्जेक्ट. We cannot use them inside of physics or mathematical analysis of something, but it is a mathematical analysis of biocompounds. तो इसमें हमें जितनी भी चीज़ें हमें मिलेंगी वो सेलुलर बेस्ड ही होंगी. मतलब हम सेल के अंदर से, और भी हमें बहुत सारी चीज़ पढ़ी हैं जो पर्टिकुलर कोई ना कोई सब सेलुलर ऑर्गन के लिए या कोई स्पेशल फंक्शन के लिए क्या थी, रिस्पॉन्सिबल थी, जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ को एनालाइज कर सकते थे. जैसे हमने फेस कॉन्ट्रास्ट पढ़ा है, हमने फ्लोरेसेंट पढ़ा है, फ्लू साइटोमेट्री पढ़ा, क्रोमोसोम कैरियोटाइपिंग पढ़ी. तो सबका एक पर्सनल गोल था कि हमको ये चीज़ डिटेक्ट करनी है. ऑटो रेडियोग्राफी के साथ थोड़ा सा अलग है, इसमें आप कलेक्टिव और एक टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि दिस इज़ स्पेसिफिक सम स्पेशल गोल इनसाइड अ सेल, लेकिन ये एक तरीके से टेक्निक है जिसके थ्रू तुम काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज करके उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं. तो ऑटो रेडियोग्राफी तुमने सुना भी होगा, बहुत सारे डिजीज़ को फॉर्म करने के लिए या कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं. सो दिस ऑटो रेडियोग्राफी इज़ ए बायो एनालिटिकल टेक्निक यूज टू विजुलाइज द रेडियो एक्टिविटी radioactively labeled substances or molecule or fragment of molecule. So क्या चीज़ को हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, तो रेडियो एक्टिव लेबल्ड जो सब सब्सटेंसेज हैं, जैसे मोस्टली प्रोब्स होते हैं या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो जिसको हम रेडियो एक्टिवली बाइंड कर सकते हैं, मतलब उसमें रेडियो आइसोटोप्स को हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं. तो इसलिए इसे नाम क्या दिया, ऑटो रेडियोग्राफी. So this radio portion is just for this radioactive molecules, and graph always give us a mathematical analysis. So that's why we name it autoradiography. कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको आप, कोई भी bio thing जिसको आप रेडियो एक्टिविटी के बेस पे मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं. It uses x-rays or photographic film to detect relative position and institute of the radio label bands in a gel or dot. तो इसमें हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमने बहुत सारी पढ़ा है, कॉन्फोकल पढ़ा था हमने, फ्लो साइटोमेट्री पढ़ा था, उसमें लेज़र यूज़ कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमने पढ़ा, हम उसमें जो सोर्स ऑफ लाइट है उसकी जगह हम क्या यूज़ कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर रहे थे. तो हर किसी के लिए एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम चीज़ों को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. तो इसमें पहला मीडियम जो है वो है रेडियो एक्टिविटी, और दूसरा है यहाँ पे एक्सरेज एंड फोटोग्राफिक फिल्म, दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं. एक्सरे में हमें एक तरीके से उसको पूरा माइक्रोस्कोप के नीचे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एक्सरे से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं पूरा फिल्म, उसमें हमें प्रोड्यूस्ड मिलता है, उसके लिए हमें पोस्ट प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती. फोटोग्राफिक फिल्म के लिए हमें पर्टिकुलर पूरी फोटोग्राफिक फिल्म तैयार करनी पड़ती है, उसके ऊपर हमें डिटेक्शन मिलता है फ्लोरेसेंट का या फिर फ्लोरेसेंट नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का. तो इसमें जो है एक तरीके से कह सकते हो प्रिपरेशन गोल फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द एक्सरेज. एक्सरेज सिंपल हैं और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है. तो मोस्टली ऑटो रेडियोग्राफी में आज के टाइम में जो हॉस्पिटल्स हैं या लेबोरेटरीज हैं उनके अंदर यूज़ क्या करते हैं, हम एक्सरेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं रिलेटिव पोजीशंस, इंटेंसिटीज ऑफ रेडियो एक्टिव बैंड्स इन अ जेल और प्लॉट. तो जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम भेज रहे हैं वो कितना इंटेंसिटी से किस जगह पे प्लेस हुआ है, उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हम यहाँ पे कर सकते हैं. हिस्ट्री इफ वी टॉक अबाउट,
लाइक इन 1867 द फर्स्ट ऑटो रेडियोग्राफी वॉज ऑब्टेन्ड एक्सीडेंटली व्हेन अ ब्लैकनिंग वॉज प्रोड्यूस्ड ऑन द इमल्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड आयोडाइड बाय यूरेनियम सॉल्ट. तो इट वॉज नॉट इंटेंशनल कि ऑटो रेडियोग्राफी को उन्होंने ढूंढा है, दैट वॉज कम एक्सीडेंटली. नॉर्मली उनको ये मिल गई, वो कोई एक्सपेरिमेंट लगा रहे होंगे, उनके पास एक इमल्शन था सिल्वर क्लोराइड और आयोडाइड. तुम्हें इमल्शन का पता होगा, तो कोई भी दो चीज़ें जो आपस में मिक्स नहीं हो सकती है, जैसे हम वाटर के ऊपर ऑयल डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होते, तो ऐसे दो लिक्विड फॉर्म जिनको हम साथ में रखते हैं बट वो मिक्स नहीं होते, दे आर कॉल्ड द इमल्शंस. तो यहाँ पे जो इमल्शन यूज़ कर रहे थे वो, तो दैट वॉज द सिल्वर क्लोराइड और आयोडाइड. सिल्वर क्लोराइड और आयोडाइड आपस में दोनों का एफिशिएंसी मैच नहीं करता, वो दोनों कभी मिक्स नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर द इमल्शंस. उसके ऊपर एक्सीडेंटली कोई एक्सपेरिमेंट लगा रहे होंगे, उस पर यूरेनियम सॉल्ट गिर गया. तो यूरेनियम सॉल्ट उस जब फिल्म पे गिरा तो वहाँ पे पर्टिकुलर उसने हर एक पॉइंट दिखाया उसका, बहुत माइन्यूट लेवल के पॉइंट्स जो हैं उसमें, उसमें हमें पूरे तरीके से रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडिएशन एमिट करती है, तो उस रेडिएशन एमिशन के बेस पे हमें बहुत सारी उसमें लोकेशन दिखी उस इमल्शन के अंदर, जो भी कोई चीज़ होगी, बहुत सारे माइक्रो कह सकते हो तो माइक्रोस्कोप्स हो सकते हैं, फिर कोई भी ऐसी चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया. तो बेसिकली गोल ये था कि उन्हें ये पता चल गया कि हम अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को किसी इमल्शन के ऊपर डालते हैं तो हमें वो उसका डिटेक्शन दे सकता है, स्ट्रक्चर दे सकता है, पोजिशन बता सकता है, कितनी अमाउंट में है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये सारा जो फिनोमेना है दैट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1867. सच स्टडीज एंड द वर्क ऑफ क्यूरीज, मैडम क्यूरी याद होगी तुम्हें, तो दे आर द क्यूरीज, दे वर द टू. सो इन 1898 डेमोन्स्ट्रेटेड ऑटो रेडियोग्राफी बिफोर एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी. फिर इसी फिनोमेना के साथ पढ़ते हुए ऑटो रेडियोग्राफी को एक तरीके से कोलैबोरेशन में रखते हुए उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की. डेवलपमेंट ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी एज अ बायोलॉजिकल टेक्निक स्टार्टेड टू हैपन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. लेकिन इसको हम बायोलॉजिकल टेक्निक की तरह कैसे यूज़ किया है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये एक तरीके से एज अ बायो एनालिटिकल टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई. सो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफिक इमर्शंस एंड देन स्ट्रिपिंग फिल्म्स बाय द रॉजर इन 1979, यू कैन सी इट इज़ अ न्यू वन मेड अप ऑफ द सिल्वर हैलाइड्स. तो ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो फोटोग्राफिक इमल्शन का कॉन्सेप्ट दिया था कि फोटोग्राफिक इमल्शन, जैसे हम फोटोग्राफ खींचते हैं, सेम वही फिनोमेना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. जब हम इसकी फोटोग्राफिक फिल्म निकालेंगे तो जिस तरीके से हम नेगेटिव से पिक्चर्स बनाते हैं तो वैसा ही सेम है इसमें भी, बहुत ज़्यादा जब डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, थोड़ी सी इसके स्टेप डिफरेंट है, अदरवाइज मोस्टली जो मेन कॉन्सेप्ट है वो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि हम जिस तरीके से नेगेटिव से पिक्चर्स को फॉर्म करते हैं, सेम उसी तरीके से ये एक पर्टिकुलर इमल्शन से फोटोग्राफिक फिल्म पे उसकी फ़ोटो लेते हैं. सो स्ट्रिपिंग फिल्म और इमल्शंस का, फोटोग्राफिक इमल्शंस का कॉन्सेप्ट रॉजर ने दिया था 1979 में, और ये दैट वाज मेड अप ऑफ द सिल्वर हैलाइड. सिल्वर हैलाइड से वो बने हुए थे इमल्शंस. नाउ एनी बायोलॉजिकल कंपाउंड कैन बी लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ओपनिंग अप मैनी पॉसिबिलिटीज इन द स्टडी ऑफ लिविंग सिस्टम. तो अब रेडियो आइसोटोप्स के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का लोकलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें उसमें हम देख सकते हैं. और सिर्फ लोकलाइजेशन या डिटेक्शन ही नहीं, हम क्वान्टिटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितने अमाउंट में हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है. So these are some type of ऑटो रेडियोग्राम. ऑडियो रेडियोग्राफी नहीं है ये, एक उसका ऑटो रेडियोग्राम हमें किस तरीके से प्रेजेंट होता है नॉर्मल टर्म्स में, लाइक इट इज़ अ ऑन सिचुएशन व्हेन यू आर सीइंग समथिंग, इन सिचुएशन अबव व्हेन यू प्लेस द सैंपल ऑन इट, इन सिचुएशन व्हेन दे आर गोइंग अंडर लाइक 2 to 3 days फॉर जस्ट इंसर्टिंग इनसाइड देम, अंडर वो बिल्कुल अंदर पहुंच जाएंगे, बिटवीन में फिर वो अपनी पूरी एक तरीके से, अभी हम पूरा मेथड पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. बिटवीन है मतलब वो बीच में मिलेगा फिल्म, तो ये जो ब्लैक तुमको पूरा एरिया दिख रहा है दैट इज़ अ फोटोग्राफिक इमल्शन, जिसके ऊपर हमें कोई भी चीज़ को हम एनालिसिस करेंगे. तो हमें तुमने वो पढ़ा था डार्क बैकग्राउंड वाला जो पूरा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी थी, जिसके
अंदर क्या था, बैकग्राउंड पूरा डार्क था, उस पर चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर दिखती है, फेस कंट्रास्ट भी बड़ा था, तो फेस कंट्रास्ट का भी यही फिनोमिना है कि क्या तो बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क हो या चीज़ें थोड़ी सी और कंट्रास्टिंग हो। मीन्स ये कहने का है कि अगर बैकग्राउंड लाइट होता है और उस पर कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, वो भी कोई बहुत डार्क नहीं है, तो वो चीज़ क्लियर नहीं दिखती। तो इसलिए बेटर है कि हम वहाँ पे क्या दें, बैकग्राउंड को हम क्या रखते हैं, डार्क रखते हैं। नेगेटिव्स में भी तुमने देखा होगा जो फोटोज़ के नेगेटिव आते हैं, तुम्हारे टाइम में देखे होंगे तुमने भी नेगेटिव को, तो पहले जो नेगेटिव्स हम रखते थे, हमें फ़ोटोज जब हम निकलवाते थे उसके साथ वो हमें नेगेटिव्स भी देता था। तो नेगेटिव में तुमने देखा होगा पूरा जो बैकग्राउंड है वो डार्क रहता है, उस पर बहुत लाइट, अगर तुम बिल्कुल लाइट के कॉन्सेप्ट में उसको देखोगे तब उसमें हल्की सी इमेज दिखती है। तो सेम यहाँ पे है, इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो सेंटर में, ये थोड़ा लाइट रहते हैं, काफ़ी लाइट रहते हैं, और जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहेगा, यहाँ पे डार्क रहेगा, और वी कैन सी इट ऑन अ ग्लास स्लाइड, बट इसका सैम्पल प्रिपरेशन इतना ईजी नहीं है। नाउ डिटेक्शन, सो वट thing and how we can detect inside the autoradiography. So autoradiography differs from the pulse counting technique in many ways. There was a different experiment that is called pulse chase experiment. हम उसको बाद में पढ़ेंगे, वो हमारा second topic है autoradiography के बाद। तो pulse chase technique जो है या pulse counting technique है, उससे ये काफ़ी different है। कैसे different है जब तुम वो पढ़ोगे तो तुम्हें compare clear हो जाएगा। So each crystal of silver halides in the photographic emulsion is an independent detector. इसके अंदर जैसे पर्टिकुलर जो हम स्टेनिंग करते हैं, तरीके से स्टेनिंग ही मान लो, हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को मतलब जो उसके अंदर सैम्पल के अंदर प्लेस कर रहे हैं, तो उसकी जो प्लेसिंग है वो इंडिविजुअल है। मानो अगर उसके एक हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन है और उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे सेल्स या हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ सेल्स को कवर करेगा या ग्रुप में कवर करेगा, ग्रुप में कवर नहीं करेगा। हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो स्टेनिंग है या एक तरीके से उसमें जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप इमर्ज होगा, वो सब में इंडिविजुअल होगा, अलग अलग अलग। तो जब हम उसको एनालाइज करेंगे, जब हम उसको डिटेक्ट करेंगे, तो हमको जो डिटेक्शन मिलेगा वो इंडिविजुअल बेस पे मिलेगा, हमको वो ग्रुप बेस पे नहीं। तो कोई भी चीज़ की स्टडी जब हमें इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी बेस्ड मिल रही होती है तो वो ज़्यादा क्लियर होती है। ग्रुप में कोई चीज़ मिल रही है तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा कौन पर्टिकुलर पोर्शन है, लेकिन जब हम उसको आइसोटोप बेस और इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट डिटेक्टर के बेस पे करेंगे तो वो चीज़ क्या होंगी, क्लियर होगी। सो इन द फोटोग्राफिक इमल्शन इज एन इंडिपेंडेंट डिटेक्टर insulated from the rest of the emulsion by a capsule of gelatin. So we can also use gelatin here. And by using the gelatin, हमें सब particular जितनी भी photos हमें वहाँ पर मिलनी है वो individually एक एक detector से detect हो गए। ऐसा नहीं है कि सारी group में एक साथ आ रही। Each crystal respond to a charged particle by the formation of latent image. तो यहाँ पर जो भी एक crystal है जिसके अंदर वो isotope जाके add हुआ है, तो उस वो हर एक क्रिस्टल इंडिविजुअली क्या करेगा, पार्टिकल चार्ज करेगा। तो मैं याद होगा फ्लो साइटोमेट्री में भी वो चार्ज वोल्टेज जो चार्ज पार्टिकल है वही एक्साइटेड स्टेज से फिर से नॉर्मल स्टेज में आते हुए मूवी फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस फॉर्मेशन दैट इज हैज़ टू बी गवर्न्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन करेगा और ईच एंड एवरी क्रिस्टल respond to a single charged particle and that single particle is going to make a single image. So the recorded provided of the photographic emulsion is cumulative and spatially accurate. तो जो भी हमको वहाँ पर मिल रहा है उसका हर चीज़ पर्टिकुलर हर एक मैनर में cumulative manner हो, spatiality वो सब उसकी क्या होगी, accurate होगी। बकायदा उसको पूरा हमें एक एक angle जो है वो उसका clear होगा। ऑटो रेडियोग्राफी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन लोकलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी विद इन अ सैम्पल लाइक इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नलेशन डू नॉट डू दिस एनी अदर थिंग लाइक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कैन नॉट प्रोवाइड अस एज गुड इमेज एज द रेडियो एक्टिविटी कैन डू, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तुम्हें पता है उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से ज़्यादा रेडियो एक्टिव इम्पल्स क्या होता है, एक तरीके से इंटेंस होता है। तो इंटेंसिटी जो है उसकी वो रेडियो एक्टिविटी की काफ़ी हाई होती है। इवन
अगर बहुत ज़्यादा तुम रेडियो एक्टिविटी के उसमें रहो तो वो तुमको डेड कर देंगे काफ़ी टाइम तक, एक काफ़ी भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको एज कम्पेयर टू द सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास कराओ और सेम रेडियो एक्टिव इम्पल्स पास कराओ। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा इंटेंसिफाई होती है और वो किसी भी चीज़ को जल्दी ब्रेक कर देती है एज कम्पेरिजन टू द इलेक्ट्रिकल और सैनिटेलेशन। सो सैनिटेलेशन तो वैसे भी फास्ट टेक्निक है। सो ऑटो रेडियोग्राफी प्रोवाइड मेजर काइंड ऑफ लोकलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज बेस्ड ऑन द रेडियो एक्टिव intensity. So it can be quantitative. Audio radiography is much slower and more difficult to approach. ये एक क्वान्टिटिव है, ठीक है, इससे हमें क्वान्टिटिव एनालिसिस मिलता है, लेकिन अभी जब तुम मैथड पढ़ोगे उसमें पता चलेगा ऑडियो रेडियोग्राफी इज स्लोअर प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या होता है एक एक को ये डिटेक्ट करती है इंडिविजुअली, ग्रुप में एक साथ करके दे देती तो ये फास्ट प्रोसेस हो जाता, लेकिन उस टाइम क्लियरिटी ज़्यादा नहीं होती। तो या तो आपको बहुत कोई चीज़ फास्ट मिल जाए और सारा एनालिसिस भी मिल जाए, तो अब बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं वैसे, ये ऑटो रेडियोग्राफी जो है बहुत ओल्ड मेथड हो गया है आज के टाइम पे भी, तो इससे भी बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक है हमारे पास आज के टाइम में जिनसे हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस और विद इन मिनट्स। तो बट ये है कि ये बेस है, तुम उन टेक्निक को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाओगे जब तक तुम्हें ये नॉर्मल बेसिक टेक्निक नहीं समझ पाएगी। तो पढ़ाने का पर्सपेक्टिव यही होता है कि तुमको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आए कि इस कॉन्सेप्ट को हमें करना कैसे, किस बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, तभी तुम जितनी भी एक तरीके से कह सकते हो जितनी भी हार्ड टेक्निक्स हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड टेक्निक्स हैं उनको पढ़ने के लिए ये वाली बेसिक टेक्निक्स बताऊंगी थी, तभी तुम उसके अंदर एम्पलीफिकेशन देख सकते हो कि वो किस बेसिस पे एम्पलीफाई कर रही हो। ये वाला सेम प्रिंसिपल वहाँ पे यूज़ होता है बट वहाँ पे एम्पलीफाइड सर्किट्स लगे हुए हैं जो चीज़ों को क्या कर देते हैं बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड कर देते हैं, जिस काम को करने के लिए यहाँ पे दो तीन दिन लग रहे हैं उस काम को वो क्या करते हैं मिनटों में कर देते हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये तुम्हारा बेस एक तरीके से फाउंडेशन है कि वो काम किस तरीके से होगा। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू अप्रोच इवन ऑटो रेडियोग्राफी मैथड्स में ये मैथड आते हैं। देखो सबसे पहले हम लिविंग सेल्स आर ब्रीफली एक्सपोज टू अ पल्स ऑफ अ स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव कंपाउंड। अब यहाँ पे जितने भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हम यूज़ करने वाले हैं दे आर ऑल्सो स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि तुम पर्टिकुलर किसी सेल के लिए सारे सेल्स के लिए एक ही टाइप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ करोगे, नहीं, किसी के लिए तुम्हें फॉस्फोरस यूज़ करना पड़ेगा, किसी के लिए आयोडीन यूज़ करना पड़ेगा, किसी के लिए सल्फर बेस्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो दैट डिपेंड कि किस टाइप का आपको वहाँ पे चीज़ें चाहिए तो उसके बेसिस पर डिफरेंट है। जैसे अभी हमने मार्कर एंजाइम्स पढ़े थे, तो मार्कर एंजाइम्स भी क्या है पर्टिकुलरली स्पेसिफिक है हर एक सेल ऑर्गेनेल के लिए। सेम यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है वो भी क्या है स्पेसिफिक है, क्योंकि अगर कभी भी अगर यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होते तो ऐसे कॉमनली हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दो तीन नाम दे देते हैं यहाँ पे जो सबके लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर उन्होंने लिखा है कि पर्ल्स ऑफ अ स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव कंपाउंड, इसका मतलब सब चीज़ों के लिए वो क्या होंगे स्पेसिफिक होंगे, क्योंकि अगर वो स्पेसिफिक नहीं होंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि उनको जाके बाइंड कहाँ पे होना है, तभी तो वो लोकेशन ग्रांट करेंगे। तो इसलिए इनका स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, जब उसको स्पेसिफिक नेचर पता होगा तभी वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे जाएंगे, वहाँ पे ऐड होंगे और उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो द टिश्यू इज लेफ्ट फॉर अ वेरिएबल टाइम, और उसमें जब हम रेडियो कंपाउंड रेडियो एक्टिव कंपाउंड को किसी भी लिविंग सेल या अपने स्पेसिमेन के अंदर इंट्रोड्यूस करा के उसको काफ़ी टाइम के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। सो सैम्पल्स आर टेकन, देन सैम्पल इज गोइंग टू टेक दिस रेडियो एक्टिव कंपाउंड इनसाइड देम, दे आर गोइंग टू फिक्स्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले सैम्पल को इसको इमर्ज करना पड़ेगा रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स को अपने अंदर। तो जिन चीज़ों के बेसिस पर हमने रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स को वहाँ भेजा है वो पहले जाके उन जगह पर प्लेस हो जाएंगे जिनको हमें बाद में डिटेक्ट करना है, फिर उनको फिक्स होने का टाइम चाहिए, वो पर्टिकुलर अपनी प्लेस बना लें अंदर जाके, उसके बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे किसके अंदर लाइट या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दोनों के अंदर हम इसको देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस नैनो स्केल पे देखना या किस स्केल पे देखना, आपको नॉर्मल इनलार्जमेंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए आप लाइट माइक्रोस्कोपी के नीचे देख लो, आपको बहुत कोई टाइनी पार्टिकल देखना है बहुत कोई छोटी चीज़ देखनी है तो आपको किसके अंदर देखना पड़ेगा, फिर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर देखना पड़ेगा। तो दैट डिपेंड आपके सैंपल के साइज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ को डिटेक्शन के लिए यूज़ करो। सेक्शंस आर कट एंड ओवरलेड विद अ थिन फिल्म ऑफ फोटोग्राफिक इमल्शन। तो जो भी सेक्शंस हमने यहाँ पे लिए हैं जैसे कोई लिविंग सेल लिए कुछ भी लिया है
तो उसको हमें किसके ऊपर लेकर आना पड़ता है, इमर्शन के ऊपर लेकर आना पड़ता है, एंड दैट शुड बी फोटोग्राफिक इमर्शन। तो जिससे हमें वहाँ पे फोटोग्राफ कैप्चर होती है। दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो तुम्हें जो भी हमारा स्पेसिमेन है, कोई भी जो भी हम देखना चाहते हैं, हमारा सैम्पल जो है, सैम्पल को रेडियो एक्टिव कंपाउंड से पहले तो एक तरीके से मान लो तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टेन करना है। लेकिन उसको स्टेन करने से उसे क्या लगता है, टाइम लगता है। हम तो डायरेक्ट स्टेन करते हैं और देख लेते हैं, उसको स्टेन करने के लिए डेज लगते हैं, लाइक आई थिंक 3 to 4 days लगते हैं। उसको ओवरनाइट छोड़ देते हैं लोग, कभी कभी कोई सैंपल जो है वो एकदम अटेन कर लेते हैं। डिपेंड करता है कौन सा रेडियो एक्टिव कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं हम और कौन सा सैंपल यूज़ कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ सैंपल्स है जो ओवरनाइट में भी काम कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो 2-3 दिन ले लेते हैं, दैट डिपेंड कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। और उसके बाद हमको इसको किसके ऊपर देखना है, इमल्शन के ऊपर देखना होता है। तो उसके अंदर देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी बेसिक मेथड्स है। तो दैट्स व्हाई द स्लाइड इज इम्पॉर्टेंट, कि तुमको एक तरीके से ये पूरा ओवरव्यू दे रहा है कि ऑटो रेडियोग्राफी काम किस तरीके से होती है। लेफ्ट इन द डार्क फॉर डेज और वीक, डिपेंड करता है कि कौन सा रेडियो जो आइसोटोप है वो हम यूज़ कर रहे हैं। उसकी डिकेइंग पावर, हमें उसे डिके करना है, उसको अंदर पूरा एक तरीके से पूरा फिक्स हो जाना चाहिए। और दैट फिक्सिंग प्रोसेस दैट कैन बी टेक सम डेज और वीक। दिस एक्सपोजर टाइम डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ आइसोटोप, द टेम्परेचर एंड द बैकग्राउंड रेडिएशन। तो ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती हैं, आइसोटोप पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है कि किस टेम्परेचर के अंदर आप उसे देख रहे हो। अगर टेम्परेचर थोड़ा हाई है तो वो चीज़ थोड़ा कम टाइम लेगी, अगर टेम्परेचर लो है तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हाई होती है। तो उसी तरीके से कोई भी एक्टिविटी जो हम अंदर करा रहे होते हैं सेल के अंदर या फिर कहीं पर भी जो सैम्पल के अंदर, तो अगर टेम्परेचर थोड़ा हाई है, बट डिपेंड कभी कभी क्या होता है सैम्पल का टेम्परेचर हाई करने से सैम्पल के कुछ ऑर्गेनेल जो हैं वो डेड हो जाते हैं, मतलब डेड नहीं होते, डिके हो जाते हैं, डेड तो ऑलरेडी हो चुके होते हैं, तो डिके हो जाते हैं। तो डिकेइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनेल विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो डिके नहीं करना है हमको, तो एक इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रखते हुए हमको रेडियो एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कराना होता है और बैकग्राउंड रेडिएशन पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि उसको भी कुछ कैप्चर करने के लिए वहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को पूरा तरीके से मॉनिटर करते हुए हम उसका टाइम और उसकी वीक्स क्या करते हैं, एक तरीके से अपॉइंट करते हैं। ये इसकी काफ़ी सारी वो आती है, मतलब मैनुअल्स हैं। जब भी आप कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पेसिमेन ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर लगाना चाहते हो, आपको उसका पहले मैनुअल पढ़ना पड़ता है किस तरीके से आप करोगे, उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हो। The photographic immersion is developed as for conventional photography. फिर उसके बाद हम photographic immersion को develop करते हैं जिसके ऊपर हमको वहाँ पे इमेज मिलनी है। Counter staining with toluidine blue shows the histological details of the tissue and the staining must be able to penetrate but not have a adverse effect on immersion. अब इसमें हमको यहाँ पे इसकी भी stain करना पड़ता है, इसकी जो photographic image है उसके ऊपर जो हम tissue use कर रहे हैं तो उसको भी हमें स्टेन करना पड़ता है, लेकिन वो स्टेनिंग भी हमेशा ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी इसकी स्टेनिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जब टिश्यू बहुत लाइट हो, टिश्यू का जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ज़्यादा लाइट है, इन दैट केस वी यूज सम काइंड ऑफ टॉलिडीन ब्लू एज अ स्टेनिंग। लेकिन हमें उस टाइम पर ये भी ध्यान रखना होता है कि इमल्शन पर उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि अगर इमल्शन डिस्ट्रॉय हो गया तो हमको फिल्म नहीं मिलेगी वहाँ पर। Alternatively, pre-staining of the entire block of the tissue can be done with osmium and plastic section coated with stripping film as in papers of gashi and grounds. So before exposure to the photographic immersion, this avoid to need to be individually staining each slide. So before हम इसमें जब इससे पहले हम photographic immersion के step पे जाएं, इससे पहले अगर हमको लगता है कि हमारे sample को ज़रूरत है pre-staining, we will do the pre-staining according to the sample or the tissue. It is not necessary to cover slip these slides, cover slip karne ki zarurat nahi hai. The position of silver grains in the sample is observed by the light or electron microscopy. So uske baad jab ye sari cheeze ho jaye to this is the last thing that we can detect by the light and electron microscopy.
टाइम नहीं बचा ऐसे क्लास में आने का. दीज ऑटो रेडियोग्राफ्स प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड. और ये जितनी भी हमें यहाँ पे फिल्म प्रोड्यूस होती है इसके थ्रू, ये हमें क्या होता है परमानेंट एक तरीके से फिल्म दे सकते हैं, परमानेंट रिकॉर्ड की तरह हम उसको फोटोग्राफ्स हैं उनको हम काफ़ी टाइम पर स्टोर करके रख सकते हैं. और ये तो वैसे भी स्कैन है तो उसको हमें स्कैन करने की जरूरत नहीं है, वहीं पर हमको मिलते हैं, हम उसका प्रिंट निकाल सकते हैं. लेकिन स्कैनिंग और इसको हम कंप्यूटर में भी डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं, एक्सरेज बेस्ड है तो एक्सरे वालों को तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर में देख सकते हो. फिल्म वाले हैं, फिल्म वालों को हम निकाल भी सकते हैं और कभी कभी हम इसके फिल्म को प्रोजेक्टेड करके कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं. तो इन दिस मैनर वी गॉट इट, लाइक येलो वन इज अ सैम्पल हियर, रेड वन इज रेडियो एक्टिव पार्ट ऑफ द सैम्पल, वाइट वन इज AgCl क्रिस्टल, ठीक है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल, एंड ब्लैक वन इज AgMetal, सिल्वर मेटल. तो ये इसके बेसिस पे आप इन सब चीज़ों को हम एनालाइज कर सकते हैं. तो ये जब हम इसको पूरा प्रोसेस है हमको करना पड़ेगा, फर्स्ट तो हम सैंपल के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं ऐड करें, दूसरा कवर विद द फोटोग्राफिक इमल्शन, फिर उसको हम यहाँ पे फोटोग्राफिक इमल्शन में क्या करते हैं कवर करते हैं, फिर रेडियो एक्टिव एक्टिवेट्स द डिकेइंग ऑफ AG सिल्वर आयंस. तो यहाँ पे जितना भी रेडिएशंस हैं वो किसको एक्टिवेट करेगा, जितने भी यहाँ पे सिल्वर के पार्टिकल्स हैं. फिर रिड्यूस द एक्टिव इफेक्ट ऑफ द सिल्वर टू द सिल्वर मेटल. तो यहाँ पे एक तरीके से ये है कि जितनी भी मेटलिक ऑब्जर्वर, मैंने तुम्हें अभी क्या पढ़ाया था एक दिन अभी थोड़े दिन पहले, जिसके अंदर हाँ सैम्पल प्रिपरेशन जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, तो अगर तुम्हें याद हो तो उसमें शेडो कास्टिंग जो थी, तो ये वाला जो फिनोमेना है यहाँ पे जो यूज हो रहा है दैट इज slightly based on the shadow casting. क्योंकि यहाँ पे जो ये सिल्वर मेटल को ये यूज़ कर रहे हैं, सिल्वर मेटल को यूज़ करने का जो फिनोमेना है कि वो शेडो कास्टिंग पे जो भी यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी वो इनकी शेडो बेस्ड पे होगी, तो ये भी इसमें फिनोमेना है जो यहाँ पे ऐड होता है शेडो कास्टिंग का. बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से 100% शेडो कास्टिंग नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा जो सिल्वर मेटल यूज़ करने का जो पर्पस है इसके अंदर वो यही है कि जब मेटल पर्टिकुलर किसी भी फ्लोरस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ क्या होगी एड ऑन होके सैंपल के साथ इमर्ज होगी, तब जो इमेज हमें मिलेगी वो इसके डार्क बैकग्राउंड बेस पे हमें इमेज मिलेगी. तो इसलिए ये हम मेटल्स को यहाँ पे क्या करते हैं यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके अंदर ये यूज़ नहीं होती. कुछ तो चीज़ें होती हैं जो सिल्वर सेंसिटिव होती हैं तो सिल्वर को आप यूज़ नहीं कर सकते, सिल्वर की जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत काफ़ी हाई होती है सेल के अंदर. तो कभी कभी सिल्वर क्या करता है किसी भी चीज़ को डिके करने में हेल्प तो करता है, लेकिन कभी कभी जिस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना होता है उसको भी डिके कर देता है, करना होता है रेडियो एक्टिव कंपाउंड को डिके. इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सिल्वर को यूज़ कर रहे हैं कि वो रेडिएशन जो भी अंदर हो रहा है जितने भी रेडियो आइसोटोप ने यूज़ किया उसको डिके करके इमर्ज करा दे. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सैंपल को भी ख़राब कर सकता है, तो उस परस्पेक्टिव में हमें सैंपल और मेटालिक कॉन्स्टिट्यूएंसी उसकी क्या टॉलरेंस है सैंपल की उसको देख के हमें यहाँ पे ये यूज़ करनी होती है. टाइप ऑफ फोटोग्राफिक डिटेक्शन एनालिसिस है, ये तुम्हें इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है. लाइक स्ट्रिपिंग फिल्म है तो उसमें फिल्म्स जो हम बनाते हैं दैट इज़ अ फोटोग्राफिक इमल्शन ऑन द सपोर्टिंग ऑफ अ जिलेटिन मैम्ब्रेन. तो जब हम इसको बनाएंगे तो वहाँ पे जो सपोर्टिंग मीडियम होता है दैट इज़ अ जिलेटिन मैम्ब्रेन. It is floated on the water and then wrapped around the slide and forms very close contact as it dry. It is no longer made. It has a major advantage of uniform thickness. So, इसको हम जो use कर रहे हैं stripping film को, ये gelatin based होती है, water के ऊपर float करती है और जब हम इसको sample के ऊपर apply करते हैं तो ये क्या करेगी uniform thickness बनाती है. ये इसका एक major advantage है. तो uniformly thickness होगी तो हमको हर एक particular part क्या दिखेगा वहाँ पे clear दिखेगा. डिसएडवांटेज है इसका दैट द सपोर्टिंग मेम्ब्रेन प्रिवेंट काउंटर स्टेनिंग ऑफ द सेक्शन. और लेकिन जब हम इसको ऊपर एनालाइज कर पूरे एक तरीके से कह सकते हो कि जब ये पूरा रैप कर लेती है सैंपल को तो जब हम स्टेन कराना चाहते हैं अगर किसी सैंपल को तो स्टेनिंग में ये क्या करती है प्रॉब्लम करती है. तो काउंटर स्टेनिंग ऑफ द सेक्शन कैन बी प्रोहिबिटेड बाय द दिस सपोर्टिंग मेम्ब्रेन. तो इस वजह से ये बेकार भी है, इसका डिसएडवांटेज है. और एडवांटेज ये है कि अगर आपको कोई ऐसा सैंपल लेना है जिसको आपको स्टेन नहीं करना
तो आप सीधा सीधा उस पर इसकी जिलेटिन की थिकनिंग दे सकते हो, जिससे लिक्विड बहुत मतलब एक तरीके से बहुत इवनली ग्राउंड को कवर करती है और सारे पॉइंट्स को आपको क्लियरली दिखाएगी। लिक्विड फोटोग्राफिक इमल्शन ये बहुत ही आजकल कॉमन है, रूटीनली यूज। तो इसमें दो लिक्विड रहते हैं, यहाँ पे लिक्विड बेस्ड लिक्विड है तो इसमें स्टेनिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होता, स्टेन आप कर सकते हो इसलिए। सो इट इज़ सिंपल एंड मच क्विकर टू डू, बट इट्स लेयर ऑफ लिक्विड इमल्शन कैन बी स्लाइटली अनइवन इन द थिकनेस। लेकिन इसके साथ दूसरी दिक्कत है, क्योंकि ये लिक्विड है तो लिक्विड चीज़ क्या होती है, अपना शेप और साइज एकदम वेरी करता है उनका, तुरंत वो किसी भी शेप में जहाँ भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ उनका शेप और साइज क्या हो जाता है, अनइवन हो जाता है। तो दैट्स वाई इसकी जो थिकनिंग होती है वो अनइवन होती है, बट ये स्टेइंग करने में हेल्प करती है। तो कोई ना कोई इसमें एडवांटेज है, कोई ना कोई इसमें डिसएडवांटेज है। हमें देखना होता है कि हमको मेजरली चाहिए, हमको अगर स्टेन चाहिए तो हम इसको यूज़ करते हैं, हमें स्टेन नहीं चाहिए, क्लियर व्यू चाहिए तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें भी व्यू क्लियर दिखता है लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपको गलत दिखाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी हैंडलिंग पे भी, आप कितना उसको इधर उधर कर रहे हो तो उसकी वजह से उसकी जो थिकनेस है उसमें प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज इट इज़ अ सेफ थिंग। कोटिंग द स्लाइड, सो कोटिंग जो स्लाइड है, स्लाइड का कोटिंग डूइंग दैट वी शुड वेयर द ग्लास एंड वर्क इन द डार्क रूम। तो डार्क रूम में जैसे हम फोटोग्राफिक फिल्म्स के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से इसका भी जो पूरा मीडियम है वो उसी तरीके से होना चाहिए, डार्क रूम होना चाहिए, लाइट नहीं होनी चाहिए। अलाउ इमर्शन टू कम टू द रूम टेम्परेचर फॉर 2 आवर। ये सब प्रोसेस के अंदर है, जो हम वहाँ पे प्रोसेस पढ़ रहे थे फोटोग्राफी इमर्शंस को बताने के लिए, तो ये उसका एक तरीके से कह सकते हो कि पूरा प्रोसेस के अंदर आता है। इमर्शन टू कम टू रूम टेम्परेचर फॉर लाइक इट विल टेक द 2 आवर एंड मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ द इमर्शन एंड डबल डिस्टिल्ड वाटर टुगेदर। तो इसकी फोटोग्राफिक फिल्म को, इसका इमर्शन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है वॉल्यूम ऑफ इमर्शंस और डबल डिस्टिल्ड वाटर। तो दोनों अगर हम मिलाएंगे तो कभी एक तरीके से इमर्शन बनेगा, मिक्स तो होगा नहीं वो। सो प्लेस इन अ वाटर बाथ इज लाइक 37 डिग्री सेल्सियस एंड शेक जेंटली फॉर अबाउट 15 मिनट्स। इसको पूरा प्रॉपरली इवन करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस में वाटर वर्क पे रखते हैं, उसे किसी चेंबर में नहीं रखोगे, इंक्यूबेटर के अंदर नहीं रखोगे, ओवन में नहीं रखोगे, वाटर वर्क पे हम यूज़ क्यों करते हैं, जिससे एक ऑप्टिमम हीटिंग उसको मिले, लेकिन वो ह्यूमिड होनी चाहिए, ड्राई हीट नहीं होनी चाहिए, दैट्स वाई हम वाटर वर्क पर यूज़ करते हैं। तो जनरली फॉर अबाउट लाइक 15 मिनट्स डिप स्लाइड्स वर्टिकली इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इमर्शन इन अ होल्डर डिजाइन टू टेक वन स्लाइड एट अ टाइम। तो पूरी तरीके से हम स्लाइड को डिप करेंगे जब ये पूरा इमर्शन एक तरीके से तैयार हो जाएगा, तो स्लाइड को आप बिल्कुल साइड से पकड़ोगे और साइड से पकड़ने के बाद उस पूरे स्लाइड को उसके अंदर डिप करके बाहर निकाल देंगे। तो वो उसका डिपिंग पोर्शन भी टाइम, कभी कभी से हम 2 मिनट के लिए डिप करते हैं उसको, कभी कभी इंस्टेंट निकाल लेते हैं, तो दैट डिपेंड ऑन द आवर सैम्पल कि उसको कितना वहाँ पे कोटिंग चाहिए स्लाइड्स के ऊपर। प्लेस हॉरिजॉन्टली फॉर अबाउट 15 मिनट्स टू एयर ड्राई, फिर उसके बाद 15 मिनट के लिए उसे रखोगे आप, देन स्टैंड वर्टिकली फॉर द लीस्ट 2 आवर्स ऑफ द ड्राई, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टली पहले प्लेस करोगे 15 मिनट, फिर उसके बाद उसको वर्टिकली रख देंगे 2 आवर्स फॉर ड्राई। ट्रांसफर टू अ ब्लैक लाइट फ्री बॉक्स एंड स्टोर इन द फ्रिज फॉर द लाइक टेम्परेचर नियर 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उसको पूरा एक तरीके से रैप करते हैं बॉक्स के अंदर जिसमें लाइट नहीं जाए, और उसकी वजह से फ्रिज में रख देंगे। Allow exposure time as specified like 2 weeks or remove test light at various time, determine optimum exposure time for your particular situation. फिर उसके बाद उसका exposure कितना हमें देना है, कितने time के लिए हमें उसको specify किया हुआ है, that depend कि आपका sample कितना exposure वहाँ पर चाहता है। So developing the field, these conditions be needed. Use a dark room, use a developer like Kodak B19 mixed with 50% of water. Immerse slides for the 4 minutes, wash in gently, running in the tap water, wash in double distilled water. Use a fixer like Ilford Hypen Rapid Fixer. So these are the fixer which basically use ke hum usko fix kar sakein, jo bhi film wahan pe hai, wo fix honi chahiye. So ye sari condition hai jo ki developing of the film. हमें इतना ज़्यादा भी ऑटो रेडियोग्राफी हम पढ़ने की होनी है तो ठीक है, तुम्हें पता हो तो बेटर है, लेकिन जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है और उसके जो मेथड्स हैं वो पता होने चाहिए स्टेप बाय स्टेप।
और उसका पर्पस क्या एप्लीकेशन है, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्से फिल्म है, यहाँ तक तो ज़्यादा पूरा हम जो बात कर रहे थे वो तो हम बात कर रहे थे फोटोजेनिक फिल्म्स की। तो एक्सरे फिल्म्स जो हम यूज़ करते हैं, दिस इज स्टिल द मोस्ट वाइडली यूज फॉर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ बिग स्पेसिमेन। सो जनरली हमें इसमें कोई भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई फोटोजेनिक फिल्म नहीं बनानी हमें, सीधे सीधे हम एक्सरे से उसकी क्या ले सकते हैं, इमेज ले सकते हैं। द फिल्म हैज़ मच बिगर क्रिस्टल डायमीटर एंड कम्स ऑन हार्ड शीट, सो इट कैन बी कम ऑन द हार्ड शीट एंड दे आर हैविंग द बिग क्रिस्टल डायमीटर। इसमें आप एक तो नॉर्मल आप स्कैन भी कर, स्कैनिंग तो आती है कंप्यूटर के अंदर, और इसमें आप हार्ड शीट पे एक्सरे फिल्म तुमने देखी है, एक्सरे फिल्म में किस तरीके से हमको वो मिलता है, तो वो एक्सरे फिल्म जो है वो काफ़ी हार्ड शीट है, उनको भी आप काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो, ख़राब नहीं होते हो। इट इज ट्रेडिशनली यूज फॉर एनालाइजिंग जेल वेयर द सेपरेटेड प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड आर लेबल्ड विद रेडियो आइसोटोप। सो मेजरली एक्सरेज जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ एनालाइज करने के लिए होती है, लाइक प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट, न्यूक्लिक एसिड्स आर इम्पॉर्टेंट, तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन इनकी मेजर एक्टिविटीज़ देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सरे फिल्म को यूज़ करते हैं। ये देख लें वाई दिस टेक्निक आर एसेंशियल, वाई वी नीड दिस। सो दिस टेक्निक वॉज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन। अगर आपको बहुत सारे जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अगर एनालाइज करने हैं, किसी भी सेल के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं अगर तुम उसको देखना चाहते हो, तो ये जो टेक्निक है दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ टेक्निक। ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना इन द राइबोसोम, ये वाला जो फंक्शन है ये भी हम किसके थ्रू देख सकते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स थ्रू आउट द सेल साइकिल, जो भी सेल साइकिल के टाइमिंग से जितने भी फेजेस हैं, पर्टिकुलर कौन से फेज में क्या चीज़ हो रही है, सब मतलब एक्यूरेटली हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी हम इससे एनालाइज कर सकते हैं। द फेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सेल, एक कोई पॉपुलेशन है उसके अंदर पर्टिकुलर कौन से सेल्स ज़्यादा हैं या कम हैं, उसका रोल क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम पता कर सकते हैं। कंपेरिजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट ऑन इवेंट्स लाइक दीज ऑल द इवेंट्स, उनका हम एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट जो है उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और कंपैरिजन भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हमें देता है, तो इसलिए उसका कंपैरिजन करना भी यहाँ पे इजी है। तो ये इतने सारे एक तरीके से कह सकते हो कि ओवरऑल सेलुलर फंक्शन है ये, कि जितने भी बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर या ऑर्गन के अंदर जो भी स्पेसिफाइड चीज़ें हो रही हैं उसको हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस चीज बाद में पढ़ेंगे। So some major advantages also given the application, they are the advantages. The advantages or application अलग अलग होती हैं, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक डिटेक्शन टूल, एक तो स्पेसिफिक है डिटेक्शन के लिए, मतलब ऐसा नहीं है ओवरऑल ग्रुप में रिजल्ट्स नहीं देती, दे आर गिविंग अस रिजल्ट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर। अनलाइक टिश्यू बाद प्रिपरेशन फार्मोलॉजिकली कैरेक्टराइज लोकलाइज एक्सेप्टर इन टिश्यू, सो नॉर्मली क्या करती है, जितने भी आपको फार्मोलॉजिकल कैरेक्टराइज है मतलब फार्मा बेस्ड कोई भी डिजीज का या फिर कोई भी ड्रग का जो हम एनालिसिस देखते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो वो होता है जो हमें एक नॉर्मल पैरामीटर पे चीज़ें बताता है, एक है जो कि हमें फार्मा बेस्ड पैरामीटर पर बताता है। फार्मा बेस्ड पैरामीटर मतलब कि वो चीज़ हमें प्रॉपर डिटेक्शन उस मैनर में बताती है कि ये इस अगर ये चीज़ यहाँ सही नहीं होगी तो ये डिजीज़ कॉज करेगी, या फिर ये ड्रग है तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर मैनर में एंटीबॉडीज बनाने के काम में आ रहा है, तो उसका जो एक तरीके से फार्मा बेस्ड इफेक्ट है वो डिटेक्शन टूल यहाँ पे काम करता है। लोकलाइज रिसेप्टर इन टिश्यू, तुमने अगर सेल सिग्नलिंग पढ़ी हो तो उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो रिसेप्टर का जो भी जो लोकेशन है कि पर्टिकुलर कौन से रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी पता चल जाता है, और फार्मा स्टडीज़ में रिसेप्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। रिसेप्टर क्योंकि ड्रग ये लोग क्या करते हैं, फार्मा वाले ड्रग्स बनाते हैं, तो जितनी भी मेडिसिन बनाते हैं जितने भी ड्रग्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं, तो उनको पर्टिकुलर रिसीव करने के लिए रिसेप्टर होने चाहिए मेम्ब्रेन के पास, तो उनके रिसेप्टर वर्किंग पे भी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि उनके रिसेप्टर वर्किंग कैसे होती है और पर्टिकुलर कौन सा रिसेप्टर वहाँ पे प्रेजेंट है।
enable characterization of receptor in different tissue in different animal and brain region. और हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टराइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स इन डिफरेंट टिश्यू, किसी भी टिश्यू के अंदर हम उनका कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर्स पता कर सकते हैं. पहले में वो बात कर रहे थे लोकलाइजेशन, मीन्स उसकी लोकेशन जानना. दूसरे में है उसका कैरेक्टराइजेशन, उसके कैरेक्टर्स पे काम करना कि कैरेक्टर्स किस तरीके से शो होंगे. ब्रेन रीजन में भी ये हमें बता सकते हैं. अब डिसएडवांटेजेस क्या है, लैक ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वेदर द बाइंडिंग साइट रियली करस्पॉन्ड टू एन एक्चुअल रिसेप्टर. बाइंडिंग साइट नहीं बता पाता कि अब जैसे मानो कोई ड्रग आया, उसकी एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर का बता देगा ये रिसेप्टर प्रेजेंट है और इसको बाइंड कर रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअल बाइंडिंग साइट जो है उस रिसेप्टर के साथ, उसमें प्रॉब्लम है, वो डिटेक्ट नहीं करता. नॉन फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाई एफिनिटी रेडियो लेबल्ड रिसेप्टर. और कभी कभी क्या है, फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जब बहुत ज़्यादा एफिनिटी हाई हो जाती है रेडियो लेबल्ड रिसेप्टर्स तो वो ओवरलैप करती है. ओवरलैपिंग जो है वो फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में, जैसे कोई पर्टिकुलर हमें कोई स्टेप देखते हैं, ये क्या कर सकता है, दो स्टेप को मर्ज कर सकता है. दैट इज नॉट ऑलवेज हैपन, लेकिन या समटाइम इट कैन बी हैपन व्हेन द रेडियो आइसोटोप्स की जो ये रेडियो लेबल रिसेप्टर्स हैं उनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा अगर हाई हो जाए तो उसमें हमें स्पेसिफाई करना मुश्किल हो जाता है. नॉन स्पेसिफिटी ऑफ लिगेंड्स कैन इजीली कॉज मिस इंटरप्शन ऑफ द रिजल्ट. और अगर जो लिगांस हैं अगर उससे नॉन स्पेसिफिक है, मतलब मान लो हमने कुछ ऐसा भेजा बट वो लिगांस के लिए स्पेसिफिक नहीं था, तो वो क्या कर सकता है, गलत रिजल्ट्स भी दे सकता है. तो ये दो तीन प्रॉब्लम्स हैं, ये हैंडलिंग प्रोसेस पे बेस्ड आती है मोस्टली. जो दूसरी और तीसरी वाली है ये मोस्टली हैंडलिंग पे बेस्ड है. पहले वाला तो क्लियर है कि वो नहीं देता, बाइंडिंग साइट का इंफॉर्मेशन वो वहाँ पे हमें प्रोवाइड नहीं कराएगा. ठीक है, एप्लीकेशंस ओके. कोई भी डिसऑर्डर्स हैं, कितनी भी साइटोजेनिक स्टडीज हैं, या फिर कोई भी लोकेशन, कोई भी फंक्शन हमको देखना है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं. रेडियो फार्मास्यूटिकल रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी टिश्यूज और सेलुलर ऑर्गेनेल के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है. कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ लूँ.